कार्यालय गई, मुकुंद भास्कर जी का स्वागत समारोह था, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अंदर सचिन नायक जी बैठे थे और लोग भी बैठे थे। मैं गई, उनको बुके दी और बुके मेरे हाथ में ही था, मैं उनसे बोलने लगी कि आपने किसी मतलब मुकुंद भास्कर जैसे रेपिस्ट को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे पार्टी की छवि खराब होगी। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी और बड़े नेता सभी कार्यकर्ता रोड पर उतरे हैं हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और हमारे ही कांग्रेस के कुछ लोग जो है इस टिकट दे करके ये बहुत बड़ी गलती किए हैं, आप इस टिकट को वापस करवाइए, क्योंकि किसी रेपिस्ट को टिकट देने का मतलब है कि हमारी पार्टी की बदनामी और छवि खराब होना, आप किसी साफ सुथरे छवि वाले को टिकट दीजिए। मेरा ये कहना ही था कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, मैं गिर गई। गुलदस्ता क्या चीज़ है, जब मैं ही गिरी तो बात ही अलग है। और दूसरे उसके बाद से इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया मेरे साथ, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी वीडियो पत्रकार लोग थे अपना लिए हैं। मैं वहाँ मारपीट करने और झगड़ा करने के मकसद से नहीं गई थी, मैं अपनी बात रखने गई थी। हमारे बड़े नेता हैं, मैं उनसे अपनी बात नहीं रखूंगी तो किसके सामने बात रखूंगी। मैं अभी भी विरोध करती हूं, अपने बात पर कायम हूं कि किसी रेपिस्ट को टिकट ना दिया जाए, उसका वापस किया जाए, किसी साफ छवि वाले को दिया जाए। और मेरी यही रहेगी कामना, मेरा खून कतरा कतरा बह जाए पार्टी के लिए, और लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, पार्टी की छवि को ख़राब नहीं होने दूंगी। बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया, आप देखिए मेरा होंठ कट गया है, बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे कान पर थप्पड़ मारा गया, मेरे कान की बाली जो टॉप से है गिर गया, और ऊपर से पीछे से भी, आप देखिए ना कि कितना मारपीट किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।